आई एम सॉरी बाबूजी। तोशु की शादी पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी जिंदगी का सबसे उदास दिन था वो, सबसे उदास पल। मैं अपने ही बेटे की शादी की रस्मों में बैठ नहीं पाया। मजाक बन गया मेरे नाम का। जब मैं लोगों के गुरूर में मैं होता है, तेरे तो गम में भी मैं है। दुख हो या सुख, तुझे अपने अलावा कोई दिखता नहीं है। पर बापूजी सच तो यही है ना कि सबसे ज्यादा बुरा मेरे साथ हुआ। तुझे जो सोचना है वो सोच ले। मैं फिर भी माफी मांग रहा हूं बापूजी। नया साल है, कोशिश करना नई गलतियां ना हो। और तेरे साथ साथ आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी, क्योंकि मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगा। माफ उसे किया जाता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो। तुझे तो अब भी लगता है कि तूने कोई गलती की ही नहीं। जिस दिन तेरे मन में पश्चाताप आएगा, जिस दिन तुझे एहसास होगा कि तूने क्या खोया है, उस दिन माफी मांगना। मैं माफ कर दूंगा शायद। पानी, मैं यही रूम में हूं, अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे जगा दीजिएगा। टंटरा, ये हमारी तरफ से आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट, ताकि तू स्कूल पे वक्त पे पहुंचे और अपना वक्त बदल सके। आप न्यू ईयर के दिन अपना जॉब स्टार्ट कर रही है। हाउ फैबुलस। आज पर सिर्फ ओरिएंटेशन। हाँ, ओरिएंटेशन है। हाँ, लेकिन नौकरी का पहला दिन तो है। थैंक यू बापूजी, ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली घड़ी है। हाँ, इससे पहले ना तो मैंने कभी घड़ी खरीदी और ना ही पहनी है। ये घड़ी की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें वक्त के साथ चलना होता है। जब घर की लक्ष्मी तो समय से दो कदम आगे होती है तो उसे घड़ी का क्या काम। लेकिन जॉब करने के लिए घड़ी की जरूरत पड़ती है। मम्मी, आप घर की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए और अपने जॉब पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। घर और मिस्टर शाह को हम संभाल लेंगे। और नंदू, नंदिनी आपकी डांस क्लास स्टार्ट कर लिया करेगी। वो बच्चों को वार्म अप करवा देगी और आप मेन क्लासेस ले लीजिएगा। अब जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ। चलिए। मिश्री और क्रीम रोल तो छुपा नहीं पाते और चिंता छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे की हालत देख के परेशान है। क्या करूं, नालायक है पर बेटा है। आप फिक्र मत कीजिए बापूजी, रिश्ता पहले वाला नहीं है पर ख्याल पहले की तरह रखूंगी। और हम सब तेरा ख्याल रखेंगे। क्या कहा बापूजी? हाँ, चाय भी रेडी है, एकदम तैयार। अरे ला दे, मैं तुझे सिखाता हूँ आलू कैसे छिले जाते हैं। ये आलू है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? वही, रुक जाओ वही।
जो हमें करना चाहिए। अरे तेरा बोझ कम कर रहे हैं। नहीं नहीं बापूजी, मुझे करने थी। चुप! अरे अरे पूरे घर के लिए तू इतना कर रही है तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? हे जी जी रे संजय कुमार और डॉली, उनको ऑफिस जाना था ना, इसलिए सुबह सुबह निकल गए, नाश्ता ही नहीं किया। तोशु भाई का कॉल आया था, वो बता रहे थे उनका न्यू ईयर बहुत अच्छा गया। हमारा भी अच्छा जाता है, लेकिन क्या करें, दीदी हमारे साथ है ना। चुप कर भाई लो। बहू का है? भाभी तैयार हो रही है। लोग नया साल फैमिली के साथ मनाते, बहू को स्कूल जाना है। जो साल का पहला दिन ही बाहर जाते है ना, वो पूरे साल घर में नहीं दिखते। तो एक काम कर, तू भी थोड़ा बाहर रह क्या, हमारा साल भी अच्छा कटेगा। गुड मॉर्निंग। आजा बेटा, नाश्ता तैयार है, बैठ संभाल के। थैंक यू। साल मुबारक मोटा भाई। तुम्हें भी जन्म। अच्छी तरह से सोया ना, तू परेशानी नहीं हुई ना? नहीं बाप, बहुत अच्छी नींद आई। पापा साल के पहले दिन घर पर, मतलब पूरा साल घर पर रहेंगे। ठाकुर जी करे ऐसा ही हो बस। बा, मैंने सारा काम कर दिया है, बाकी का झिलमिल कर देगी। और इनकी दवाइयां, सूप और चाय समर देख लेगा। वाह, मतलब तेरा बेटा घर में काम करेगा और तू बाहर मटर गश्ती करेगी। जाने दीजिए ना बा। अरे पर इसे घर पे रहना चाहिए, तेरा ध्यान रखना चाहिए। मेरा ध्यान रखने के लिए आप लोग हैं ना, और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं आपसे या समर से कह दूंगा। मैं बाइक निकाल लेता हूं। खुश रहो बेटा। ऑल द बेस्ट मम्मी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आज मेरा पहला दिन है काम का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चाहे जो वो पा सकता है, भोला सा ये मन तेरा, आंगन से बाहर निकल, दुनिया है आंगन तेरा। Happy New Year. I had a great time with my family. Take care. ये वी को क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? अब घड़ी को इतना भी मत घुर लीला कि वो काम करना ही बंद कर दे। अभी तक नहीं आई आपकी लाडली, आज पहला दिन है और ये हाल है। भगवान जाने आगे क्या होगा, वो दिन दूर नहीं है जब मैं और आप रसोड़े में दिखाई देंगे। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू बहू बनकर घर संभाल भी रही है और बेटा बन के घर चला भी रही है। हाँ, पर मेरे बेटे को संभालने के लिए कोई नहीं है। बा मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अनुपमा आ जाएगी। बड़ी जल्दी आ गई, रात होने में अभी टाइम है, अंधेरे के बाद ही आती। बस सॉरी, वो फल खरीदने लग गई थी ना, तो इसलिए समय लग गया। बोलो, तुम्हारा नहीं स्कूल के पहले दिन शॉपिंग पे चली गई? बा लौटते वक्त रास्ते में दिखा, इसलिए ले लिए। हैप्पी न्यू ईयर। अरे
अम्मी सोचा नहीं है कि दिन आप सबको सरप्राइज दे दें। कैसा है भाई? अरे पापा, पापा ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। छोटा सा? पूरी गाड़ी पलटी हो गई थी। ठाकुर जी की कृपा है कि जान बच गई। अरे तो आपने हमको फोन क्यों नहीं किया? तुम लोग परेशान हो गए इसलिए नहीं बताया तुझको। और वहाँ बैठ के ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते थे? तू क्या देख रही है? संस्कार भी उदयपुर में रख के आई है क्या? ससुर है तुम्हारे, पैर छुओ। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो फिर यहां क्या कर रहे हैं? किंजल? ठीक है तो फिर आप अपने घर जाइए ना। ये मेरे बेटे का घर है। नहीं बा, ये मेरी मम्मी का घर है। अगर इन्होंने इसे अपना समझा होता तो इसे कभी छोड़कर नहीं जाते। अगर इन्होंने हमें अपना समझा होता तो शादी के दिन इतना तमाशा नहीं होने देते। In fact, I'm shocked कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यहाँ पे किस मुंह से रह रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।